एक स्मार्टवॉच ब्रांड खड़ा करना कितना आसान है, कितना डिफिकल्ट है, जानना चाहोगे? चलिए आज यहाँ पे यही बात करते हैं इस पॉडकास्ट के अंदर मेन टॉपिक पे। देखो, एक स्मार्टवॉच के अंदर देखा तो सबसे पहले तीन टाइप की कैटेगरीज होती हैं, जिसके अंदर पहली कैटेगरी होती है RTOS की, सेकेंड कैटेगरी होती है wearOS की, थर्ड कैटेगरी होती है watchOS की। जो RTOS होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो आपको लगभग 1000 रुपए की स्मार्ट वॉच में भी देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सस्ती वॉचेस तक है, ये RTOS आपको 1 लाख की वॉचेस पे भी देखने को मिलता है। बेसिक कंसेप्ट RTOS के बारे में समझा देता हूँ। ये बेसिकली एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर जो बेसिक टास्क होते हैं उनको रन करने के लिए बनाया जाता है, और एक फर्मवेयर को रन किया जाता है जिस कारण से जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड के अंदर, वो यहाँ पे क्रिएट किए जा सके। अब बात यह कि यह आपको एक छोटी सस्ती वॉच में भी देखने को मिलता है, लेकिन मार्केट में 1 लाख रुपए की भी वॉचेस है उसमें भी देखने को मिलता है। तो टाइम बताने के साथ साथ यहां पे फर्मवेयर की इंपॉर्टेंस ये रहती है कि आपको एग्जैक्ट हेल्थ ट्रैकिंग वगैरह यहां पे प्रोवाइड कर सकता है। कहने की बात यह कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे क्रिएट किया गया है जो बेसिक या लिमिटेड हार्डवेयर पे चल सकता है। बेनिफिट यह कि आपको एक अच्छी बैटरी लाइफ देगा, कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के साथ, और यहां पे अगर इसको ट्वीक किया जाए, अच्छे सेंसर्स के साथ पेयर किया जाए, टेस्टिंग अच्छे से की जाए, बग्स फिक्स किए जाए, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। दो दुनिया की पॉपुलर वॉचेस आती हैं जो RTOS पे चलती है, जैसे कि गार्मिन कंपनी की एक वॉच आती है, आज भी वो वॉचेस RTOS पे चलती है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम वॉचेस है। एप्पल वॉच अल्ट्रा से ज्यादा लेवल ऑफ एक्यूरेसी देती है, और कीमत भी उस तक या उससे ज्यादा भी यहां पे पहुंच जाती है। ऐसे ही बात करें तो आपने अमेज फिट कंपनी का नाम सुना है, वो भी RTOS पे वॉचेस निकालती है, लेकिन उसकी वॉचेस अगर आपने यूज करी है तो देखने में भी अच्छी रहती है, UI अच्छा रहता है, लेकिन घूम फिर के वो एक RTOS रहता है। ये चीज RTOS के साथ है कि सस्ते से लेकर महंगे तक बनेगा, और मैन्युफैक्चरर के पास चॉइस है कि उसको कितना अच्छा तरीके से बनाना है। अच्छे हार्डवेयर, अच्छे सेंसर, अच्छा चिपसेट के साथ अगर पेयर करेंगे तो बेटर रिजल्ट निकल पाएगा। इसीलिए हर RTOS वाली वॉच टोटली गलत नहीं होती है, कुछ अच्छी वॉचेस भी है, कुछ खराब वॉचेस भी है, बस लोगों के मन में इमेज इसलिए बनी क्योंकि खराब वॉचेस की संख्या थोड़ी ज्यादा। इसके बाद आते गूगल के wearOS पे। wearOS देखा तो गूगल ने एंड्रॉइड इकोसिस्टम के लिए बनाया था, ये एप्पल की जो स्मार्टफोन्स होते हैं, आईफोन्स होते हैं, उनके साथ पेयर नहीं करती वॉचेस। इसके साथ ही wearOS देखा जाए तो गूगल के एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड है, और इंटरनली इसके अंदर प्ले स्टोर मिलता है, एप्स मिलते हैं, और ढेर सारे अलग अलग फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये wearOS वाली वॉचेस होती है, लेकिन wearOS के साथ दिक्कत एक ही, बैटरी ज्यादा खाता। दूसरी चीज, wearOS को डालना पड़ता है महंगा, क्योंकि इसके लिए गूगल से लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके साथ ही जो चिपसेट पे चलता है वो भी आपको थोड़ा एडवांस लेवल का चाहिए, उसकी भी कॉस्ट ज्यादा रहती है। मार्केट में जो वॉचेस आज के समय में 10,000 रुपए के नीचे wearOS के साथ आ रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, वो सारी 1-2 साल पुरानी वॉचेस है जो लॉन्च हुई थी, और आज के समय में वो कंपनीज अपना पुराना डेड स्टॉक यहाँ पे क्लियर कर रही है जो उनका यहाँ पे बिका नहीं था, जिस वजह से उनकी कीमत इतनी ज्यादा कम हो गई है। लेकिन अगर मार्केट में अगर एक कंपनी नई स्मार्ट वॉच निकालती है wearOS के साथ, तो कम से कम उसकी कीमत 15,000-20,000 रुपए आसानी से यहाँ पे पड़ सकती है। तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, वो है एप्पल का watchOS। ये एप्पल ने खुद अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, आईफोन पे बेस्ड और अपने इकोसिस्टम के लिए बनाया, जिसके अंदर एप्पल अपनी खुद की चिप यूज करती है, खुद का OS यूज करती है, यहां तक कि सेंसर्स को भी कस्टमाइज करती है, टेस्ट करती है, और उसके बाद एप्पल वॉच के अंदर डालती है, जिस कारण से ये अपना एक इकोसिस्टम यहाँ पे चलाते हैं। ये सिर्फ एप्पल तक लिमिटेड है, एप्पल ने इसको बाहर किसी और के लिए रिलीज नहीं किया, तो कोई दूसरी कंपनी इसको यूज कर ही नहीं सकती। इस वजह से तीन टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्मार्ट वॉच के अंदर होते हैं। अब बात करते हैं कि RTOS या wearOS पे कोई भी कंपनी आसानी से अपनी वॉच बना सकती है। बिल्कुल बना सकती है। wearOS के पीछे ज्यादातर कंपनी इसलिए नहीं जाती क्योंकि मना पाना काफी ज्यादा महंगा पड़ता है, और गूगल की भी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, जिस कारण से कोई भी कंपनी चाहे तो उनको फुलफिल करके लाइसेंस लेके wearOS की वॉच बना सकती है, लेकिन टाइम ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, कई सारी चीजें ज्यादा है। इसी वजह से देखा तो ज्यादातर कंपनी RTOS के पीछे आती है, क्योंकि RTOS पे एक बेसिक वॉच ये लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे यहाँ पे अपने हिसाब से ट्वीक या ट्विन किया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बेटर रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। और खास तौर पे RTOS पे बात है कि यहाँ पे कंट्रोल कंपनी का ज्यादा रहता है, जल्दी से जल्दी अपडेट रिलीज कर सकती है। wearOS में रहता है कि अपडेट अगर देनी है ना, तो पहले गूगल के पास जाएगा, अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद अपडेट रिलीज होता है। RTOS पे अपडेट जल्दी है, तो अपने हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं, फीचर्स को कम ज्यादा कर सकते हैं, और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और हाँ, अगर छोटा लो एंड प्रोसेसर भी है, वहां पर भी RTOS को चलाया जा सकता है। इस वजह से ज्यादातर कंपनीज RTOS पे जाती है। लेकिन अब बात करते हैं कि इंडिया में स्मार्ट वॉच मैन्युफैक्चरिंग का सीन क्या है।
देखो आज से पहले क्या होता था कि कई सारी कंपनीज चाइना जाती थी, अपने प्रोडक्ट्स उठाती थी वहां से, जो पसंद आ रहा अपना लोगो लगाते थे, इंडिया में लाके बेचना शुरू करते थे। इसे अपन ODM वगैरह कह सकते हैं। इसके बारे में मेन चैनल पे और मैंने पास्ट में कई बार बात करी है। बेसिकली ये व्हाइट लेबलिंग का सिस्टम बहुत ही आसान था, आज भी किया जाता है और कई बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस चीज को करती है। जिसका मतलब ये कि चाइना में एक प्रोडक्ट कैटलॉग है, वो पूरी तरीके से तैयार है। वहां जाओ आप, देखो आपको कौन सी वॉच चाहिए, आपको वो वॉच पसंद आ गई, ठीक है चलो उसका ऑर्डर यहाँ पर मैंने दे दिया, वो लोग शिप कर देंगे आपके इंडिया तक। उसके बाद ये वॉच यहाँ पे आपके इंडिया में आ जाएगी और उसके बाद आप लोग उसे यहाँ पे यूज कर पाओगे और बेच पाओगे उसे। सिंपल सी चीज है। अब डिपेंड करता है कि ऑर्डर कितना बढ़ा और उस ऑर्डर के हिसाब से वो कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको देते हैं। आपका लोगो बना देंगे लोग, एक ऐप क्रिएट कर देंगे, यहाँ तक कि इंडिया में BIS सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। ये सारी जो बेसिक चीजें रहती वो आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद ये कंपनीज के अंदर अगर आपको और ज्यादा चेंजेस करवाना है तो उसके लिए आपको और ज्यादा यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि ऐप के अंदर कोई कस्टमाइजेशन करवाना है, कस्टमाइज वॉच फेसेस है या फिर कस्टमाइज डिजाइन है, उन सबका पैसा देना पड़ेगा। जिसके अंदर जो ODM पार्टनर है वो आपका कई सारी चेंजेस यहाँ पे कर सकता है और उसको एक अलाउ रहता है कि कई सारी चेंजेस करके आपको इंडिया के अंदर वॉच यहाँ पे शिप कर देगा। क्योंकि बेसिकली ODM कंपनी का यहाँ पे काम ये रहता है कि कंपनी यहाँ पर B2B काम करती है। सामने वाला बिजनेस वाले की रिक्वायरमेंट जैसी होगी वो अपने हिसाब से वॉचेस बनाएगा, वो अपना रेट देगा और उसके बाद आएगा। तो जितने ज्यादा चेंजेस करवाओगे उस हिसाब से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, यहाँ तक कि अगर बड़ा ऑर्डर भी अगर आप कंपनी देती तो वो भी पॉसिबल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कोई कंपनी क्या अपना खुद का स्मार्ट वॉच ब्रांड इंडिया में शुरू कर सकती है? वेल, अगर एक कंपनी अगर अपना पार्ट अगर चीजें डिजाइन करवाती है और खुद यहाँ पे बैठ के डिजाइन करती है तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अभी इतनी ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए चाइना से मशीनें खरीद के लानी पड़ेंगी, फैक्ट्रीज डालनी पड़ेंगी, जिसके अंदर करोड़ों रुपए लग जाते हैं। इसके साथ ही सेकंड बेस्ट ऑप्शन रहता है कि किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ पार्टिसिपेट करो जो ऑलरेडी यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस वगैरह बिल्डअप कर रही है। इस वजह से भी यहाँ पे इंडिया में जो ODM पार्टनर्स है वो भी काम करते हैं, लेकिन वो आपको उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते चाइना के अंदर मिलती है। चाइना के अंदर एक स्पेशलिटी बात है जिसका फायदा इवन एप्पल जितनी बड़ी कंपनी ने भी उठाया था कि एप्पल ने क्या किया था कि यार स्मार्ट वॉच छोड़ो, अपने आईफोन को लेकर गई थी, आईफोन का डिजाइन उन्होंने बताया, उसके हिसाब से मशीनें वगैरह क्रिएट की गई, टेस्टिंग हुई, सारी चीजें हुई और उसके बाद आईफोन बना। लेकिन बात यह कि एप्पल ने यहाँ पे फॉक्सकॉन जैसी कंपनी का यूज किया आईफोन बनाने के अंदर। एप्पल ने डिजाइन सारी चीजें अपने इनहाउस करी, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग की बारी है तब वो लोग उसके पास गए। लेकिन उस कंपनी के पास रिस्ट्रिक्शन है कि जिस टेक्नोलॉजी का यूज, जो एप्पल के डिजाइन जो उसे मिल रहे हैं, जिसका यूज वो आईफोन बनाने के अंदर कर रहे हैं, वो इसका यूज किसी थर्ड पार्टी कंपनी के साथ नहीं कर सकते। और सिमिलरली स्मार्ट वॉचेस में भी ऐसा केस है। अगर स्मार्ट वॉच में भी कोई कंपनी अगर अपना खुद का ओरिजिनल डिजाइन यहाँ पर लेकर आती है, अगर वो उसका पेटेंट है, तो वो कंपनी जो ODM पार्टनर है वो वही डिजाइन किसी और को बेच नहीं सकता। जो ODM पार्टनर है वो वही डिजाइन उसी कंपनी के लिए यहाँ पर बनाएगा। हालांकि ये सब क्रिएट करने में टाइम और पैसा बहुत ज्यादा लगता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक ODM कंपनी के पास जब भी कोई जाता है ना, तो यहाँ पे काफी सारी चॉइसेस रहती है कि आपको किस टाइप की वॉच, किस टाइप का स्मार्टफोन वगैरह बनाना, और इन सब फ्लेक्सिबिलिटीज के कारण यहाँ पे काम होता है। यानी कि आप बेसिक डिजाइन बता दो, बेसिक सॉफ्टवेयर का लुक बता दो, कई सारी छोटी छोटी चीजें यहाँ पर आप जितना उसे ट्विक करना चाहते हो, ट्विन करना चाहते हो, यहाँ पे कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे एक कंपनी के पास पूरा एक कंट्रोल रहता है कि एग्जैक्टली में जो आउटपुट आएगा वो प्रोडक्ट का कैसा होगा, यही एक काम यहाँ पे चलता है। इसलिए कुछ कंपनीज अपनी यूनिक डिजाइन लेकर आती है स्मार्टफोन्स के अंदर भी, वॉचेस के अंदर भी, जो कि आपको सिर्फ उसी कंपनी में देखने को मिलते हैं, लेकिन बनते वो बाहर चाइना के अंदर है। इवन जब कुछ कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने लगती है तो चाइना की जो फैक्ट्रीज में जो मशीनरी रहती है वो इंडिया लाके इंडिया सेटअप करते हैं और इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिससे उनके ऊपर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का लेबल लगता है। लेकिन हाँ, उसके अंदर जो कंपोनेंट, जो पार्ट्स आते हैं वो भी मेजरली यहाँ पे चाइना से ही यहाँ पर आते हैं। इसके साथ ही ओवरऑल बात करें तो यार स्मार्ट वॉच वाला गेम यहाँ पर इंडिया में कैसा है? देखो आज के समय में इंडिया में सस्ती वॉचेस ज्यादा मिलती थी जिसके अंदर ज्यादातर व्हाइट लेबल प्रोडक्ट थे कि बाहर से उठा के लेकर आ रहे हैं, लोगों अपना लगा रहे हैं, उसे यहाँ पे बेच रहे हैं, जिस कारण से मार्केट के अंदर लोगों ने सस्ती वॉच बनाने के चक्कर में क्वालिटी पे बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, जिसके अंदर डिस्प्ले बेकार होता था, सेंसर्स बेकार होते थे। 1000 रुपए में आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा का क्लोन मिलता है, लेकिन क्या लगता है कि आपको वैसा एक्सपीरियंस दे पाएगा? सिर्फ देखने में वो अल्ट्रा वॉच जैसी लगेगी, लेकिन इंटरनल देखा है तो सब कुछ उसके अंदर बेकार है। इसीलिए अगर किसी भी कंपनी को बेटर सेंसर्स यूज करने हैं, बेटर चिपसेट यूज करना है, बेटर सॉफ्टवेयर यूज करना है, उन सब के लिए यहाँ पे उसे बेटर पार्ट चूज करने पड़ेंगे, जिस कारण से उसके अंदर यहाँ पे उसकी कॉस्ट से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इवन अगर अपना खुद का ओरिजिनल डिजाइन उस वॉच के अंदर डाल रहे हैं तो उसको इंप्लीमेंट करने की भी कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है।
इस वजह से चीजें यहाँ पे चलती हैं। तो हाँ, देखा जाए तो थ्योरिटिकली एक स्मार्ट वॉच ब्रांड करना इजी है। बाहर जाओ, पैसा दो, स्मार्ट वॉचेस लो, इंडिया में अपना लोगो लगाओ, बेचना शुरू कर दो। ये बहुत ही सही चीज है जिसे कोई भी करना चेक कर सकता है। इवन यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनका मैंने फॉलो किया तो पता चला कि वहां पे अगर बड़ा ऑर्डर दे दो ना तो वो लोग ये सारा काम आपके लिए कर देंगे। पैसा आप उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, उसके बाद वो सारी वॉचेस बना के इंडिया के अंदर ले आएंगे। ये भी काम होता है। और एक काम होता है, क्लोजली उन कंपनीज के साथ काम करो जिसके अंदर कॉस्ट ज्यादा लग जाती है, फिर प्रोडक्ट भी हो जाता है महंगा। और दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनी इसी का फायदा लेती हैं। एप्पल जैसी कंपनी जो यहाँ पे किसी मैन्युफैक्चरर के साथ यहाँ पे काम करती है, इसके साथ ही बात करें तो सैमसंग जैसी कंपनी के भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे ODM या इंक्स के पार्टनर के साथ बनते हैं। इवन मोटरोला के बारे में बात करें तो 90% मोटरोला के फोन ODM बेस्ड है, खुद वो डिजाइन या मैन्युफैक्चर उनको यहाँ पे नहीं करते। इवन मैंने ये देखा है कि कुछ ऐसी कंपनीज ऐसी भी है जो चाइना जाती है, वो देखते हैं कि यार कौन कौन से फोन अच्छे हैं, ये फोन अच्छा लगा, ये फोन अच्छा लगा है, वो कहेंगी आप ये फोन हमारे लिए बनाओ, हम इसके एक्सक्लूसिव राइट ले लेते हैं, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम ही यूज करेंगे, आप पैसा लो, सॉफ्टवेयर में कौन सा फीचर कितना चाहिए आप उसका पैसा लो, आपको कितने लंबे तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए आप उसका पैसा लो, ये सारी चीजें डील फाइनल होती है। चाइना से कंपोनेंट्स आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होती है इंडिया के अंदर, और चाइना की कंपनी के लोग आके इंडिया में सिखा के जाते हैं कि इस वॉच को इंडिया में कैसे मास प्रोड्यूस यहाँ पे करना है। यार देखा तो ये सारी चीजें नई नहीं है, बिजनेस सेंस में काफी ज्यादा ट्रू है। और कोई भी अगर कोई छोटी कंपनी जिसके पास ज्यादा फंड्स नहीं होते, वो शॉर्टकट का रास्ता अपनाता है। इवन कई बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसका फायदा उठाती हैं, क्योंकि जब उन्हें काफी कम समय में काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए जो मासेस के हो, जिसके अंदर वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते और ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहते हो। इवन मैं आपको ये भी बात बता देना चाहूंगा कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर और आपकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर ये जो चीज तकरीबन 10 साल 15 साल 20 साल से चल रही है। माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी के साथ भी यही चीज हुई थी, तो उसने भी काफी सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को बाहर से लेकर आती थी, लोगो लगाते थे, बेचना यहाँ पे शुरू किया था। फिर इंडिया में भी इन्होंने कुछ अपनी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह शुरू करी थी, उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व किया उन्होंने, लेकिन फिर अब आज के समय में मार्केट में गायब हो गए। लावा जैसी कंपनी एक जमाने में वो ये भी काम करते थे, लेकिन अब काफी अलग तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं, तो वो एक चीज है। इसके साथ ही बात करें तो टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनी रहती है ना, वो अपने पैसे को सही जगह लगाना चाहे और बड़ा खेल खेलना चाहे ना, इसलिए इस सारी चीजों का यहाँ पे सहारा लिया जाता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि स्मार्ट वॉच या स्मार्टफोन ब्रांड कोई भी ले ले, एक बिल्ड करना तो काफी ज्यादा आसान है, लेकिन उसे सस्टेन करना, एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और अगर कोई भी कंपनी यहाँ पर आके क्लेम करती है कि हमने अपने प्रोडक्ट के अंदर ये किया नया किया है, तो यार कंपनी की बात भी आप आग बन के बिलीव मत करो। अब देखो कि वाकई में जो क्लेम कर रहे क्या वो सही है कि गलत है। और इन द एंड में आपको सच बात बता देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों के लिए कि यहाँ पे की प्रोडक्ट यहाँ पे ODM प्रोडक्ट है, OEM ने बनाया या बाहर से बनाया, कैसा बनाया, आपके लिए सच बताओ जरूरी क्या पड़ता है कि एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट काम कैसे करा, चाहे स्मार्टफोन हो, स्मार्ट वॉच हो, TWS हो, बिल्कुल TWS है तो यार आवाज सुनो, फीचर देखो, क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, आप उसे लो, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ODM ने बनाया बाहर से लेकर आए नहीं। स्मार्ट वॉचेज है, आपके लिए स्मार्ट वॉचेज की जरूरत यहाँ पे क्या पड़ती है, फास्ट है, स्मूथ है, बग फ्री एक्सपीरियंस दे रही है, बड़ी बैटरी लाइफ है, एक्यूरेट रिजल्ट दे रही है, बिल्कुल अगर आपको लगे कि वो आपकी प्राइस ब्रांड में फिट होती है तो आप उसे लो। और स्मार्टफोन भी देखो जो आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। तो अरे सिंपल सा सेस है, कंज्यूमर को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट कहाँ बनाए, कैसे बनाए, पीछे की कहानी क्या, एग्जैक्टली में कंज्यूमर को ये फर्क पड़ना चाहिए कि एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट में जो क्लेम किए गए हैं क्या वो वैसे काम करता है कि नहीं करता, ये एक बात है। इसके साथ ही बात करें तो यार ये कुछ बेसिक मैंने स्मार्ट वॉचेस के बारे में बता दिया, मार्केट में काफी हॉट टॉपिक था तो मैंने भी अपने कुछ टू सेंट्स यहाँ पे रख दिए। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आप सुनता हूँ अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।